बहुत सलामत रखे और सब आपको आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप यहाँ कवरेज के लिए नहीं आए, आप यहाँ व्यूज के लिए नहीं आए, आप दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यहाँ रवायत पर मौजूद हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लिख रहे हैं इस तारीखी फितरे के खिलाफ। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि ये लड़ाई इस मुल्क के मासूम बच्चों की जिंदगियों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क में, मैं वजाहत कर दूं, इस मुल्क में अल्लाह के असली वलियों की इज्जत और हुर्मत की लड़ाई है। ये लड़ाई इस मुल्क में खत्म नबूवत के अकीदे के सही होने की लड़ाई है। हम सब ने हुर्मत रसूल का दिफा भी करना है, हम सब ने हुर्मत कुरान का दिफा भी करना है, हमने हुर्मत औलिया का दिफा भी करना है और इंशाल्लाह तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक हम इस फितरे को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते इंशाल्लाह। हमने पहले ये दावा किया था और वादा किया था कि इंशाल्लाह इसके फितरे के अड्डे अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। आप फरगाना साहब, लेकिन आज से हम इस तहरीक का, इस जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब तक हक खतीब नाम का ये फितना, ये शुभ शुभ सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, मैं सैयद इकरारुल हसन रवात की सरजमीन पे आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अजीज किसी मसलहत का शिकार नहीं हूँगा, किसी दबाव का शिकार नहीं हूँगा, किसी खौफ का शिकार नहीं हूँगा। ये मेरी, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आप सबसे वादा करता हूँ कि ये मेरी जात की लड़ाई नहीं है, अल्लाह की जात जानती है, इसमें मेरी कोई अना शामिल नहीं है। हमने ये दिखाया कि ये आदमी कीले निकाल के मुंह से चेने बरामद करके किस तरह से दीन इस्लाम की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। हमने ये दिखाया किस तरह इसके आस्थानों पर आने वाले लोगों से जबरदस्ती करके उन्हें डरा धमका के उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं लंगर जैसी और नजराने जैसी मोहतरम चीजों के नाम पे। हमने आपको ये बताया कि ये बदबख्त फितना अपने पास आने वाली ख्वातीन का जिनसी इस्तेहसाल करता है। हमने आपको ये बताया और दिखाया कि ये नशा और अद्वियात का इस्तेमाल करता है। अल्लाह के वलियों की और आस्थानों की इससे बड़ी बेहुर्मती और क्या होगी कि ये खुद को अल्लाह का वली कहे और हम इसके अड्डे को आस्थाना कहे। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, हम कल्लर सैयदा जा रहे हैं, कल्लर सैयदा के और खिताए पोटोहार के खुशूर आवाम वहाँ इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। हम वहाँ जाके सारी दुनिया को ये बताएंगे कि ये बदबख्त और बद किरदार इंसान अकीदा खत्मे नबूवत का सिपा सालार नहीं हो सकता। हम इसको बताएंगे कि ये अल्लाह के वलियों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ये आस्थानों का, ये खानकाहों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ना ये दीन इस्लाम का नुमाइंदा है, ना ये पाकिस्तान का नुमाइंदा है। मेरी हाथ बांध के आप सबसे ये अपील है, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए हम सब ने मिलकर ये जिद्दोजहद करनी है। ये इकरारुल हसन की लड़ाई, ये इकरारुल हसन की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। और लड़ाई लड़ाई ये नहीं कि हमने खुदा ना खास्ता बजोरे बाजू कुछ करना है, हमने इंशाल्लाह अपनी आवाज बुलंद करनी है। आपके हाथ में ये जो ताकत है कैमरे की, इसके जरिए इसको बेनकाब करना है और कानूनी फ्रंट पे इसको जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाना है इंशाल्लाह। कलर सैयद आपसे मुलाकात होती है सबसे, पुलिस के बारे में मौजूद है, ये गलत है, गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अच्छा ज्यादती है, इसके आगे कोई ऐसी यहाँ पे इकरार हसन कोई कलाश ने लेके जा रहा है? अच्छा क्या कोई विरोध लेके जा रहा है? जी कोई धमाका खेज कोई बारूद लेके जा रहा है इकरार हसन? अच्छा। क्यों ये रास्ते बंद हुए हैं? ये ज्यादती है, सिर्फ एक आदमी की खातर, एक आदमी की वजह से बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। कौन करवा रहा है? इसके खतीब की वजह से जो भी पीछे है उसको सामने आना चाहिए, जो भी इसके पीछे है उसको सामने आना चाहिए। और इकरार इकरारुल हसन भाई उसको नंगा करे, ये
नीचे उतर जाओ, सारे नीचे उतर जाओ यार, अजान सबको सब नीचे दे, सब नीचे आ जाए, नीचे अनस भाई नीचे आ जाए प्लीज, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा यार प्लीज, थोड़ा सा सामन करें, सबको टाइम मिलेगा नीचे आ जाए प्लीज यार, आप लोग कंटेनर से नीचे उतर जाए इससे प्लीज, अनस भाई नीचे आ जाए यार प्लीज, यहाँ पर है कोई ग्रवाम की भी किसी प्रकार है क्या, यहाँ से ग्राम को आगे जाने दिया जाए।